नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं फिर से आपके सामने कुछ स्मॉल कैप टाइप कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए, हम लोग जब निवेश करते हैं तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर हम लोग को मल्टीबैगर रिटर्न किसी कंपनीज के ऊपर कमाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो विदाउट रिस्क कोई भी बड़ा रिटर्न हम लोग कमा नहीं सकते। हाँ, आप कह सकते हैं सर मैं रिस्क ना लेकर अगर काम करूँ तो कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ निफ्टी फिफ्टी के कुछ कंपनीज है और भी कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनी जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर है। तो उस तरीके से कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और उसके ऊपर निवेश करिए, जहाँ पे आपको एवरेजली 15 से 20% तक रिटर्न मिल सकता है। तो देखिए, हमेशा आप कोई भी स्टॉक को पिक करिए जहाँ पे आपको रिटर्न तो मिल ही जाएगा, तो आपको उस कंपनी के हमेशा पैरामीटर चेक करके ही खरीदना है। पैरामीटर मतलब कंपनी के का बिजनेस है, कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में कितना ग्रोथ हो सकते हैं, साथ ही साथ आपको उस कंपनी के जो प्रोमोटर और मैनेजमेंट किस तरीके से उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके से वो कंपनी को चला रहा है, वो अगर आपको क्लियर अंदाजा लग गया तो आप इजीली उस कंपनी के ऊपर भरोसा करके रह सकते हैं। तो मैं आज उसी से जुड़े हुए दो कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो दो व्यक्ति के नाम यहाँ पे बताऊंगा, एक आप सभी सभी जानते हैं आशीष कचुला जी, और दूसरे है मेरे सबसे ज्यादा बड़े एक मैं इनसे इन सबसे ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, वो है विजय केडिया जी। ये दोनों व्यक्ति आज मल्टी बेगा रिटर्न कमा चुके हैं, और वो भी स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करने के। तो इस दोनों सेक्टर मतलब कंपनीज के ऊपर निवेश करके, स्मॉल टैप मतलब स्मॉल टाइप एंड मिड कैप टाइप दोनों ही कंपनी के ऊपर निवेश करके आज इस दोनों ने मल्टी बेगर रिटर्न कमाया है। तो आप भी इसी तरीके से अगर इन्वेस्टर बन पाएंगे तो आपको मल्टी बेगर रिटर्न मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सही कंपनी चूज करना होगा और उस कंपनी का विजन के बारे में पता होना है, और उसके बाद उस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए ऊपर रहना है। ऐसे नहीं कि आज मैं खरीदारी कर लिया कल जाकर बेच दिया, ऐसे मत करिए, तो वहाँ पे आपको बड़ा सा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इन दोनों ने बहुत सारे कंपनीज है जहाँ पे कंपनी के ऊपर उन्होंने खुद कहा कि 500 टाइम्स भी होल्ड किया। तो 500 टाइम्स होल्ड किया मतलब उन्होंने कितना बड़ा प्रॉफिट कमाया, सोचिए एक बार। तो मेरे कहने का मेन मकसद यही है कि बड़े इन्वेस्टर को आपको हमेशा फॉलो करना है, एज ए उन्होंने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया उसको नहीं, कौन सा कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया उसके बारे में जानकारी जरूर लीजिए और उसके ऊपर रिसर्च करिए, और आप उस कंपनी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आज दो कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है मेरे हिसाब से तत्व चिंतम फार्मा केमिकल्स लिमिटेड। तो तत्व चिंतम फार्मा केमिकल्स लिमिटेड, इसके ऊपर जब आईपीओ आया था तब मैं इसके ऊपर एक अब डिटेल्स वीडियो बना के दिया था कि आईपीओ में अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, और इस कंपनी के जो एक्चुअली बिजनेस मॉडल्स है वो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। अगर इस कंपनी कंपनी का सेक्टर वाइज दिखा दूँ तो इंडस्ट्रीज भी केमिकल्स है और सेक्टर्स भी केमिकल्स है। तो इस कंपनी के ऊपर आज बहुत बड़ा प्रेशर है। प्रेशर मतलब कंपनी का जो कंटिन्यूसली गिरावट हो रहा है, इसके पीछे कारण है ऑल ओवर केमिकल सेक्टर के ऊपर करेक्शन, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में जो डिमांड्स है वो डिमांड कम हुआ, और इसके चलते हर कोई केमिकल्स इंडस्ट्रीज कंपनी को प्रेशर देखने को मिला। देखिए, अगर सिर्फ यही कंपनी गिरता तो मैं कंपनी से दूर रहता, पूरा के पूरा सेक्टर गिर रहा है तो इसका मतलब कंपनी में कुछ खराबी खराबी कम है, कंपनी के सेक्टर में अभी भी प्रेशर है। तो रही बात कंपनीज के डिटेल्स के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक बार वेबसाइट आपको विजिट कर दूं तो कंपनी के केमिकल सेक्टर के ऊपर बिलोंग करते हैं। कंपनी केमिकल सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा कंपनी में मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा आप देखेंगे, तो कंपनी देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो डेकोरेटिंग्स है, जो स्ट्रक्चर डेकोरेटिंग जो एजेंट्स है तो उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी फेज ट्रांसफर कैपेस मतलब जो कैपिटलाइज है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स जो मतलब सॉल्ट्स है उसके ऊपर भी काम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो सॉल्ट्स है वो एक्चुअली सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर विंड प्रोजेक्ट के ऊपर लगाए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स के भी बनाने के लिए कंपनी काम करते हैं। इसका मतलब जिस इंडस्ट्रीज में कंपनी बिलोंग कर रहा है वो इंडस्ट्रीज फ्यूचर में बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि देखिए बैटरीज बनाने के लिए केमिकल्स का के यूज किया जाता है, वो केमिकल्स इसी कंपनी बनाते हैं। तो सोचिए जो प्रोजेक्ट अपकमिंग ईयर्स में बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, अगर उसी कंपनीज को हम लोग यहाँ पे अभी से पकड़ लिया तो उस कंपनी में एक स्ट्रेंथ बनेगा। तो रही बात कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा कंपनी के जो बिजनेस है
वो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसडीए। तो एसडीए का मतलब होते हैं, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर जो जो डायरेक्शन मतलब डायरेक्टिंग एग्रीगेंट है तो उसके ऊपर कंपनी काम करती है। इसका मतलब जो बैटरीज है, जो बैटरीज के लिए जो केमिकल्स यूज किया जाता है वो भी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनीज के जो बिजनेस मॉडल्स है उस हिसाब से कंपनी स्टार्ट हुआ था 1996 से। कंपनी के एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। कंपनी गुजरात बेसिस कंपनी है और कंपनी धीरे धीरे करके खुद का बिजनेस को बढ़ा रहा है। 2021 में कंपनी एनएससी में लिस्टिंग हुआ और 5000 मतलब 5000 मिलियंस का टोटल ओएफएस लेके आया और उसके माध्यम से कंपनी लिस्टिंग हुआ। और कंपनी कस्टमर बेसिस के बारे में बात करूँ तो 25 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं और इंक्लूडिंग यूएसए, यूके, चाइना, जर्मनी और जापान एंड साउथ अफ्रीका। इस तरीके से कंट्रीज को कंपनी खुद का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। आज केमिकल सेक्टर में प्रेशर इसी की वजह से है क्योंकि ग्लोबली मार्केट में जिस कंट्रीज के वो माल बेच रहे हैं वो मार्केट में अभी स्लो डाउन में है, तो इसलिए इकोनॉमिकली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर प्रेशर है। तो कंपनी ओवरऑल 79% रेवेन्यू जनरेट करते हैं एक्सपोर्ट के मामले में। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो एंड ऑफ यूज यूजर इंडस्ट्रीज जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर और साथ ही साथ एग्रोकेमिकल्स के ऊपर मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर प्रोडक्ट, देखिए एलआई बैटरी मतलब लिथियम आयन बैटरी जो है उसको बनाने के लिए भी कंपनी का केमिकल्स यूज किया जाता है। पेंट सेक्टर के ऊपर भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया जाता है। साथ ही साथ डिटर्जेंट बनाने के लिए भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया जाता है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट का डिमांड है लगातार डिमांड रहेंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो ये तो सब कुछ ठीक ठाक है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बता रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी का मार्केट कैप एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा तो इसीलिए कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिल रहा है। क्योंकि इसका पी रेशियो अगर बात करूं तो कंपनी का पी रेशियो एक टाइम हो गया था 100 के ऊपर, आज कितना है 80 के आसपास। तो करेक्शन तो हुआ था, ऊपर गया फिर से करेक्शन फिर से ऊपर। यहाँ पे पी रेशियो के एक में आपको ट्रेंड बना के दूँ तो टोटली डाउन ट्रेंड है। तो मेरे हिसाब से फिर से एक बार करेक्शन होगा और पी रेशियो का करेक्शन होगा मतलब शेयर का प्राइस और भी गिरेगा। ऑब्वियसली चार्ट पैटर्न में भी उस तरीके से कुछ डेटा देखने को मिल रहा है। मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, उससे पहले डिटेल्स देख लीजिए। कंपनी का आरओसी आरओई अभी भी देखा जाए तो उतना खास नहीं है, एवरेज के नीचे है। कंपनी के जो डेप्थ है वो बहुत कम है। एनुअली इनकम भी अच्छा खासा देखने को मिला। अगर इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के देखिए लगातार लगातार सेल्स को कंपनी मेंटेन किया। ऐसे नहीं कि ग्लोबली मार्केट में इंपैक्ट आया तो कंपनी का सेल डाउन हो गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हाँ एक्सपेंस कुछ बढ़ गए थे तो इसलिए कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो चुके हैं। ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो जो सेल्स का ग्रोथ है वो सेल्स का ग्रोथ 3 साल 5 साल में ठीक है। अभी करंट प्राइस में सेल्स का ग्रोथ कम हो गया तो सेल्स डाउन हो गया, तो इसके चलते ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन हो गया। और इस डाउन होने के पीछे कारण भी मैं आपको समझा चुका हूँ। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 28% का एक साल में रिटर्न नेगेटिव में दिया। और यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटीज बहुत शानदार है। कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करो, देखिए कंपनी लगातार लगातार खुद का रिजर्व को ग्रोथ कर रहा है, कंटिन्यूसली रिजर्व ग्रोथ हो रहा है। उस बेसिस में कंपनी का जो बोरिंग्स है वो भी इंक्रीज होता है, सॉरी इंक्रीज तो हुआ मगर उतना ज्यादा नहीं है जितना कंपनी के पास रिजर्व है। हाथ में फिक्स एसेट भी है। मुझे जो पॉइंट इस कंपनी को और बेस्ट लगा जिस कारण के वजह से मैं यहाँ पे शेयर को फिर से खरीदारी करूंगा वो कारण है कंपनी का CWIP। CWIP का आईपी का मतलब होता है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब जो कैपिटल्स कंपनी यहाँ पे यूज करके रखे हैं वो कैपिटल्स अगर प्रोसेसिंग खत्म हो जाए तो डायरेक्टली वो पैसा फिक्स एसेट में दिखेगा। तो इस बार कंपनी हाईएस्ट पैसा लगा कर रखा है प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने के लिए, और कुछ प्रोजेक्ट कंटिन्यू हो रहा है तो वो कितना 230 करोड़ के आसपास। तो ये पॉइंट्स मुझे सबसे बेस्ट लगा और इसी के चलते कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे छोटा मोटा यहाँ पे जो फिक्स एसेट परचेज है यहाँ परचेज को भी देखिए कंपनी ने अच्छा खासा बाइंग किया, अच्छा खासा आज तक की हाईएस्ट परचेजिंग है। कंपनी ने बोरिंग्स यहाँ पे लिया, कर्जा यहाँ पे लिया 65 करोड़ के आसपास। तो इस कर्जे लेने के पीछे यही कारण है कंपनी का कुछ प्रोसेसिंग आगे जाकर और भी बढ़ने वाले हैं। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा FIS और DS के पास उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, फिर भी FIS ने स्टेक बढ़ा दिया, सॉरी DS ने स्टेक बढ़ा दिया और FIS के पास उतना ही होल्डिंग है पहले जितना होल्डिंग था। पब्लिक के पास सेम टू सेम होल्डिंग है, हाँ प्रोमोटर के पास ज़्यादा होल्डिंग है और प्रोमोटर को क्या करना पड़ेगा OFS के माध्यम से कुछ स्टेक बेचना पड़ेगा। सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के आसपास होल्डिंग होना चाहिए, यहाँ पे कितना है 79%। तो ओवरऑल कुछ स्टेक बेचेंगे तो OFS के माध्यम से बेचेंगे तो शेयर और भी सस्ते दामों में आपको मिल सकता है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का तो ध्यान दीजिएगा, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर थोड़ा सा ऊपर गया उसके बाद देखिए करेक्शन। तो करेक्शन कब तक होगा मुझे इस कमेंट शुरू करा किया गया था, देखिए जब तक इस सेक्टर का फिर से पॉजिटिविटी कुछ रीजन ना आए, जब तक इकोनॉमिकली सब कुछ ठीक ना हो तब तक करेक्शन हो सकता है। इसका मतलब शेयर में इस लेवल को ब्रेकआउट करने में
और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, और भी मुझे सस्ते दामों में मिले तो तब मैं अच्छा खासा इस कंपनी के ऊपर जरूर कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है एसो इंडस्ट्रीज, मेरे वन ऑफ द माई फेवरेट कंपनी है एसो इंडस्ट्रीज, क्योंकि इस कंपनी ने धमाका रिटर्न दिया। और सिर्फ रिटर्न ही नहीं, इस कंपनी के स्टेम जो है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इस कंपनी एक एग्रोकेमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, और इस कंपनी सेक्टर वाइज देखा जाए तो सॉरी इस कंपनी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, और इस कंपनी का जो सेक्टर वाइज देखा जाए तो कंपनी केमिकल सेक्टर के ऊपर है। कंपनी के जो बिजनेस है आप देखेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल्स, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो फूड, साथ ही साथ जितने सारे रबर सेक्टर है उस तरीके से प्रोडक्ट बनाने में कंपनी का केमिकल्स यूज किया जाता है। कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में होते हैं। तो इस बिजनेस के चलते है, मतलब इस कंट्रीज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के कारण कंपनी के ऊपर आज प्रेशर है। तो प्रेशर कितना है मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कंपनी के वेबसाइट एक बार विजिट करा लेता हूँ। अगर वेबसाइट को चेक करेंगे तो बहुत सारे डिटेल्स आपको मिलेगा, और कंपनी कौन सा सेक्टर को कंपनी वर्ल्ड वाइल्ड वाइड बेसिस में प्रोडक्ट को सेल करते हैं आप देख सकते हैं। स्पेशलिटी केमिकल, लुब्रिकेंट जो मतलब प्रोडक्ट है, आदि सब जो प्रोडक्ट है, साथ ही साथ फूड जो प्रोडक्ट है, फूड बनाने वाले जो केमिकल्स यूज किया जाता है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो एरो केमिकल्स सॉरी एरोमा केमिकल्स, साथ ही साथ रबर केमिकल्स, और प्री जो डिस्पेट जो मतलब देखा जाए तो जो रबर्स प्रोडक्ट है उसके लिए भी केमिकल्स यूज किया जाता है। तो कंपनी की एक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी स्टार्ट हुआ था 1985 से, उसके बाद देखिए लगातार लगातार कंपनी ने जर्नी यहाँ पे 2023 तक लेके आया। तो कंपनी ने फर्स्ट देखा जाए तो बिजनेस को जिस तरीके से काम किया आप देखेंगे तो 70% चाइना के ऊपर कंपनी काम करते हैं, और साथ ही साथ कोरिया, इंडिया और अदर्स कंट्री के ऊपर। तो कंपनी देखिए ग्लोबली जो मार्केट है उनमें से आप देखेंगे तो ग्लोबली रावर जो केमिकल्स है वो मार्केट इज एक जो एक्सपेक्टेड टू ग्रो 4.9%, और उस बेसिस में 2025 तक 4.9% का ग्रोथ होने वाला है। उस ग्रोथ में कंपनी भी शामिल है, तो कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ बनेगा। साथ ही साथ ग्लोबली जो रावर केमिकल्स का जो डिमांड है वो करीबन करीबन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1.0 से 1.1 मिलियन टॉन्स का टोटल डिमांड होगा, और जिसके टोटल अराउंड 70,000 से 75,000 टन पर एनम यहाँ पे मतलब इतनी बड़ा कैपेसिटी यहाँ पे देखा जाएगा। तो चाइना और कोरिया जो कंट्रीब्यूट करते हैं 75%, तो वो इंडिया की मतलब इंडिया में जितने सारे कंपनीज है वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 5.5 से 6%। इसका मतलब कितने बड़ा डिमांडेबल मार्केट है आप देख सकते हैं। तो उस बेसिस में देखा जाए इसका इंडस्ट्रीज के हिसाब से मैं पहले बोल चुका हूँ, फूड प्रोसेसिंग में, साथ ही साथ देखेंगे तो एरोमा केमिकल्स के ऊपर, टायर्स बनाने में, रबर्स बनाने में, लुब्रिकेंट ऑयल के ऊपर, पेंट सेक्टर में, स्पेशलिटी केमिकल्स, फूड सेक्टर में कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आप देख सकते हैं, कॉस्मेटिक्स बनाने में, फूड जो अधि मतलब एडिटिव्स है तो उसके ऊपर, साथ ही साथ कंपनी फ्रेग्रेंस मतलब जो सेंट का बोतल है बॉटल होता है उसके ऊपर, फूड्स के ऊपर, लुब्रिकेंट के ऊपर, साथ ही साथ कोटिंग के ऊपर, इंडस्ट्रियल केमिकल्स के ऊपर, फ्यूल एंड बायोडीजल के ऊपर, और मतलब रबर सेक्टर, टायर्स बनाने में, वाटर जो ट्रांसपेरेंट है उसके ऊपर, फार्मास्यूटिकल्स एंड न्यूट्रिशंस के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो प्लास्टिक एंड जो रिज्यूम है उसके ऊपर। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है ना बहुत स्ट्रांग है, और रही बात कंपनी के जो कंट्रीज के ऊपर, 50 कंट्रीज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, और यहाँ पे 15 कंट्रीज का लंबा सा लिस्ट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कितने सारे कंट्रीज है आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो ब्लू कलर का जो थीम आपको दिख रहा है इस जगह में कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो कंपनी में जो कस्टमर बेसिस है वो भी मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, और कस्टमर बेसिस के बारे में बात करूँ तो 15 हाई वैल्यूएबल कस्टमर है इसके पास, और 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो एक 148 इसका प्रोडक्ट वेरियंट कंपनी मार्केट में बेच चुके हैं, और 65% जो कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं जहाँ पे यूरोप, एशिया और एशिया सॉरी यूएसए, यूरोप, मिडिल ईस्ट कंट्री में कंपनी खुद का प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो कंपनी का जो लार्जेस्ट प्रोडक्ट मतलब कंपनी बेचते हैं उसका कस्टमर कौन है, डाबर है, उसके साथ इंडियन ऑयल है, अदानी वेलमर है, एमआरएफ सबसे इंडिया के सबसे बड़े टायर कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से सॉरी कंपनी के प्राइस के हिसाब से तो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट टायर कंपनी बोल सकते हैं, कोलगेट ये भी इसी का कस्टमर है, साथ ही साथ देखेंगे तो केवी ये फॉरेन कंट्रीज का है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो सीए टायर, एचपी, तो बड़े से बड़े अभी देखें हंट्समैन,
इस तरीके से बड़े प्लेयर इसका कस्टमर है, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। अभी फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप करीबन 1900 करोड़ के आसपास है, कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी बहुत सॉरी इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, कोई बात नहीं। आरओसी आरओई बेस्ट लेवल में है, कंपनी के पास कुछ तो डेप तो है, कंपनी इनकम भी कर रहा है, सारे डेप को मिटाने के बाद इनकम भी कर रहा है, ऐसे नहीं कि इनकम नहीं कर रहा है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी है और कंपनी के पास जो होल्डिंग्स है उनमें से प्लेजिंग छोटा मोटा प्लेजिंग है, कोई बात नहीं, इस तरीके से प्लेजिंग कभी भी वो मिटा सकते हैं। कंपनी के सेल्स का ग्रोथ है, कंटिन्यूसली ग्रोथ, एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन्स किए और कंपनी ने क्या किया यहाँ पे नेट प्रॉफिट को भी कंपनी कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहा है, जो दो चीज़ मैं हमेशा देखता हूँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये तीनों चीज़ मुझे कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में एक अंदाजा देते हैं कि हाँ यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ है। कंपनी के सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी आपको धमाका रिटर्न ऑलमोस्ट दे चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी और नहीं धमाका रिटर्न करेंगे, और भी बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ तो 2000 करोड़ है। सोचिए जब 2000 से 20000 बनेगा तो कंपनी का प्राइस कहाँ से कहाँ जाएगा। तो कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो लगातार लगातार कंपनी का रिजर्व बढ़ते जा रहा है, हाँ बोरिंग्स भी बढ़ा, कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा, और सबसे जो बेस्ट पॉइंट है वो है केमिकल्स का जो इन्वेस्टमेंट है। कंपनी करंट जो प्राइस सिनेरियो है, करंट ईयर्स में कंपनी ने कैपिटल लगा के रखा कुछ प्रोडक्शन प्रोडक्ट करने में, तो इसका मतलब एक इस प्रोडक्शन खत्म होने के बाद डायरेक्टली फायदा किसको मिलेगा, आपको रिजर्व फिक्स एसेट में देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर और पब्लिक के अलावा दूसरे कोई इन्वेस्टर नहीं दिखेगा। अभी छोटा मोटा एफआईएस ने होल्डिंग किया क्योंकि इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो लगातार लगातार ग्रोथ होता जा रहा है। अगर एसओ इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी में जो स्ट्रेंथ बना कोविड के टाइम में, इस कंपनी का जो प्राइस था आप देखकर चौंक जाओगे कि सिर्फ 130 था, और तब किसी ने अगर निवेश करके रखे थे, अगर टॉप लेवल में माल बेचा तो सोचिए कंपनी ऑलमोस्ट उसको 1600% का रिटर्न दिया, 16 गुना रिटर्न दिया। यही तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सही कंपनी अगर सही टाइम में आपने निवेश करिया तो आपको मल्टीपल का रिटर्न दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी सोचने में लग गया कि सर रिटर्न तो मिल चुका है इतना बड़ा और क्या मिल सकते हैं। देखिए मैं बता दूँ एसआरएफ, आप नाम तो सुने ही होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, जिस कंपनी ने 1 लाख% का रिटर्न दिया, 1 लाख, 1 लाख तो मैं गलत बता रहा हूँ, एक्चुअली अब बीएससी में सर्च करेंगे तो 7 लाख का टोटल रिटर्न मिला, कितना 7 लाख, तो सोचिए कितना बड़ा रिटर्न दिया। तो कंपनी के ऊपर अगर भरोसा है, कंपनी का स्ट्रेंथ अगर ठीक ठाक है, तो मैं इस कंपनी के ऊपर रहने के लिए तैयार हूँ। बाकी देखिए आपके जो राय है उस हिसाब से काम करिए। तो कंपनी यहाँ पे एक पैटर्न्स भी बन रहा है एज ए स्विंग ट्रेडर्स के लिए, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बनाया जा रहा है, कंटिन्यूसली शोल्डर बना उसके बाद हेड बना उसके बाद शोल्डर बना, अगर इसको कंफर्म करके यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो बड़ा सा आपको रैली दिखेगा, और एंट्री लेवल के हिसाब से यहाँ पे जो टारगेट रेशियो है वो आपको 37% का गेन मिल सकता है। तो इसके लिए इंतजार करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना जहाँ पे मैं सारे डिटेल्स अपलोड देता हूँ। तो इसी तरीके से वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर रही है, और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, प्लीज रिसर्च करके काम करना। नेक्स्ट वीडियो में तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।